टू स्टेयर ब्रिक हाउस। नल्लामल्ला के जंगल में एक जगह लिलीपुट लोगों का एक बस्ती था। उस बस्ती में डुम्बू और बबलू नाम के दो भाई थे। दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती थी। एक दिन बबलू डुम्बू से, ए डुम्बू, पिताजी गुजर गए ना, ये घर छोटा है, इसलिए तुम अपने रहने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। अच्छा बच्चू, ये घर छोड़ के मैं दूसरा घर ढूंढूं? याद रखो, मैं छोटा हूँ ना, पिताजी मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। ज्यादा नाटक करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, कह देता हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, मैं खूब पीटूंगा। अच्छा, तो तुम इतने 30 मार खान हो? अरे चलो गांव के बाहर, अभी देख लेते हैं। एक बार पैर से मसल दिया ना, बस खत्म हो जाओगे तुम। अच्छा, अब बात इतनी बढ़ ही गई है तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। चलो चलते हैं गांव के बाहर, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। यूं दोनों मिलकर गांव के बाहर जंगलों में गए। वहां एक जगह दोनों खूब लड़ने लगे। यूं दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे। कि तभी बद्री नाम का व्यक्ति वहां पहुंचा। उन दोनों को देखकर, अरे वाह, ये छोटे छोटे से तुम दोनों हो, तो तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? अरे चोट लगेगी, कहीं तुम दोनों की हड्डी पसली टूट गई तो डॉक्टर भी तुम्हारी इलाज नहीं कर पाएंगे। तब डुम्बू और बबलू ने मिलकर जो कुछ हुआ सब बद्री को बताया। उनकी बातें सुनकर बद्री, भाई देखो, तुम्हारी बात तो मेरी समझ में आ गई। मैं तुम दोनों की समस्या दूर करता हूँ। जो जगह तुम दोनों के पास है उसी में तुम दोनों के लिए 2 मंजिला ब्रिक हाउस बनाकर दूंगा। उस घर में दोनों खुशी खुशी रह सकते हो। उसकी ये बात सुनकर डुम्बू और बबलू दोनों खुश हुए। उसके बाद बद्री ने मेहनत से उन दोनों के लिए 2-स्टोरीड ब्रिक हाउस बनाया। उस घर को देखकर डुम्बू और बबलू दोनों खुश हुए। उसके बाद बद्री ने उन दोनों को मनाया कि बबलू ऊपर रहेगा और डुम्बू नीचे। तब दोनों ने बद्री को आग्रह किया कि वो उनके साथ उनके गांव में रहे कुछ दिन के लिए। बद्री मान गया और जितने दिन रहा उसने लिलीपुट्स के लिए बहुत सारी वस्तुएं बनाकर दी। यूं कुछ दिन बीतने के बाद डुम्बू अपने घर के बाहर बबलू से, यार बबलू, जब तुम सीढ़ियों से ऊपर जाते हो नीचे बहुत मिट्टी कर देते हो। क्योंकि घर का निचला हिस्सा मेरा है तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर मुझे हर महीने 10 बोरी चावल देने होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरा घर नीचे है, तो तुम सीढ़ियां चढ़कर नहीं ऊपर हवा से जाओ अपने घर में। अरे कमीने, मैं सोच ही रहा था कि इतने दिन तुम चुप क्यों थे, कोई समस्या क्यों नहीं खड़ी की। क्या कहा, नीचे का सारा जमीन तुम्हारा है, सीढ़ियों से चढ़कर जाने के लिए तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा और नहीं तो मुझे आसमान से टपकना पड़ेगा। तो ठीक है, तुमने कहा ना कि आसमान मेरा है, तो आज से तुम सिर उठाकर नहीं देखोगे। खास तौर पर आसमान की ओर तुम बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर गलती से देख लिया तो हर बार देखने के लिए जुर्माने के तौर पर 100 बोरी चावल देने होंगे। अगर नखरे किए तो चलो जंगल में जाकर लड़ते हैं, तभी फैसला हो जाएगा। जो जीतेगा घर उसका हो जाएगा। इस तरह दोनों ने निर्णय लिया कि वो फिर से जंगल में जाकर लड़कर एक निर्णय पर पहुंचेंगे। तभी उनके पास बद्री आया। फिर से बद्री ने उनसे पूछा कि माजरा क्या है। तब उन्होंने सब कुछ बताया। शाबाश, बिल्कुल सही निर्णय लिया है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन एक बात है, तुम दोनों पहले मुझे घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए दो, उसके बाद आपस में लड़ के तय कर लो। ये क्या, तुमने हमें घर मुफ्त में नहीं बना कर दिया? क्यों भाई, तुम क्या मेरे सगे भाई हो या भाई बंधु हो जो मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में घर बना कर दूंगा? देखो याद रखो, 2 साल के अंदर अंदर तुम्हें मेरे पैसे देने होंगे। मैं हर महीने यहाँ आऊंगा, अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे पैसे जमा ना करके आपस में लड़ रहे हो तो मैं तुम दोनों को मेरे गाँव ले जाऊंगा और वहाँ मेरा नौकर बना के रखूंगा, जरा सोच लो। तब दोनों डर गए और वो मान गए कि वो पैसे भर देंगे। तब से दोनों ने लड़ना बंद किया और पैसे जमा करने लगे। ये देखकर बद्री खुश हुआ और वहाँ से चला गया।